तो भाई आज हम ना एक और गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं। हमारे पास ना गाड़ी ये है जो सबसे ज्यादा रूटीन में चलने वाली गाड़ी है और नॉर्मल बजट है। जिस गाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं, जो इंडियन फैमिली है ना यार, सबकी पसंदीदा गाड़ी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी रही है ये अपने टाइम में और अभी भी। बात करने जा रहे हैं जी गाइस, हमारे पास है अल्टो, वाइट कलर के अंदर अल्टो है। अल्टो जो अल्टो 800 VXi मॉडल है, ये 1000 CC के अंदर है, 5 सीटर हमारी ये गाड़ी है। गाड़ी की बात करते तो सेफ्टी पर्पज़ गाड़ी में 2 एयरबैग हैं और फ्रंट की जो गाड़ी की कुछ प्रोफाइल ऐसी है हमारी, ये गाड़ी का मॉडल है जो VXi मॉडल है। इससे एक मॉडल आता है VXi प्लस, उसमें सिर्फ क्या रहता है, सेम बॉडी गाड़ी की रहती है, उसके अंदर टच म्यूजिक सिस्टम आता है इनबिल्ड, है ना, जो अभी इसके अंदर भी इनबिल्ड म्यूजिक सिस्टम है। सिर्फ उसमें प्लस क्या रहता है, वो स्क्रीन टच वाला मिल जाता है हमारे का। जो फ्रंट की प्रोफाइल की हम बात करते हैं, सिंपल लाइटिंग हाइलोजन और हमारे को साथ में एक इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो मारुति सुजुकी को रिप्रेजेंट करता है ये लोगो, और यहाँ पर जो गाड़ी की हमारी नेम प्लेट आ जाती है। नीचे की तरफ बात करते हैं तो ये हमारे को ना ग्रिल मिल जाती है, फोग लैम्प जो हमारा ना फोग लैम्प, यहाँ पर हम इसमें इनबिल्ड है, गाड़ी के इस मॉडल में नहीं आता, ऊपर वाले में भी नहीं आता। इसमें हम यहाँ पर एसेसरी का पार्ट है वो लगवा सकते हैं। हमारे को ना 12 इंची टायर मिल जाता है विद व्हील कैप कवर के साथ, यहाँ पर मारुति का लोगो मिल जाता है। ऊपर यहाँ पर हमारे को एक जो साइड इंडिकेटर है ना वो मिल जाता है, साइड हमारा मिरर मिल जाता है। ये हमारा मिरर है ऑटोमेटिक एडजस्टेबल, नहीं मैनुअल एडजस्टेबल है, अंदर से स्टिक वाला। साथ में हम बात करते तो हमारे को ना ये यहाँ पर जो अल्टो की बिडिंग मिल जाती है, यहाँ पर लोगो मिल जाता है अल्टो का यहाँ से, और जो बॉडी कवर के इसके हैंडल मिल जाते हैं यहाँ पर, जो साथ में चारों हैंडल है ना बॉडी कलर, इसके बॉडी के कलर के ही रहते हैं। साइड की प्रोफाइल है हमारी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर जो बात करते थे इसकी ग्राउंड जो क्लीयरेंस है इसकी 160 mm की अच्छी ग्राउंड स्पेस मिल जाता है हमारे को गाड़ी का, जिसके अकॉर्डिंग यार गाड़ी है ना उसके अकॉर्डिंग हमारे को स्पेस अच्छा मिल रहा है, जो बजट वाइज भी ये गाड़ी है ना। बैक की हम बात करते हैं तो देखो ना सिंपल लाइटिंग मिल जाती है इस मॉडल में, LED इसमें नहीं मिलेगी हमारे को। पीछे हम जो इस पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे को ना 2 सेंसर मिल जाते हैं बैक में, और यहाँ पर भी हमारे को जो मारुति को रिप्रेजेंट करता है लोगो मिल जाता है, यहाँ अल्टो लिखा हुआ है। और जो गाड़ी का बूट स्पेस की बात करते तो हमारे को ना 177 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर जो हमारा जो ये गियर जैक है ना, जैक मिल जाता है, नीचे हमारी स्टेपनी मिल जाती है, यहाँ पर ऐसे फिटिंग इसकी स्टेपनी की मिल जाती है अच्छी। बूट स्पेस जो गाड़ी है ना यार उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा हमारे को बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर हमारे को ना फ्यूल टैंक मिल जाता है, 235 लीटर का फ्यूल टैंक है, काफ़ी अच्छा हमारे को इसमें फ्यूल टैंक जो फील कर सकते हैं हम। फ्रंट में इंजन है ना, एक बार उसकी फिटिंग आपको दिखा देते हैं। जो गाड़ी का हमारा जो इंजन है ना कुछ इसकी ऐसी फिटिंग मिल जाती है, जो ये 1000 CC के अंदर हमारा जो इंजन है ना, यहाँ पर बैटरी रहेगी और जो इंजन रहेगा हमारा पेट्रोल के अंदर। हमारे को यहाँ पर एक एंटीना मिल जाता है, जो FM एंटीना होता है ना वो मिल जाता है। और जो अंदर की बात करते हैं तो गाड़ी का अंदर एक बार आपको लुक दिखाते हैं ऐसा गाड़ी का इंटीरियर। यहाँ पर बात करते हैं हमारे को जो फ्रंट वाली विंडो है ना वो हमारे को एडजस्टेबल मिल जाती है पावर के अंदर, जो बैक वाली ना नॉर्मल रहेंगी हमारी। सेंटर लॉकिंग मिल जाती है गाड़ी के अंदर जो टॉप मॉडल है, यहाँ पर हमारा ये स्पेस मिल जाता है खिड़की के साथ में। और इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे को जो लाइटिंग एडजस्टर मिल जाता है, जो हमारा स्टीयरिंग है
स्टेयरिंग पे कुछ हमारा यहाँ पर मारुति का जो लोगो दिया हुआ है और यहाँ पर जो एयरबैग है ना वो दिया हुआ है। हमारे को एडजस्टेबल स्टेयरिंग नहीं मिलता, और जो ये इधर की स्टिक है ना हमारी, ये लाइटिंग की स्टिक मिल जाती है इधर साइड में, और इधर की बात करते तो जो हमारी वाइपर की स्टिक मिल जाती है, एक की बात करते तो हमारे को कुछ ऐसा सिंपल मीटर मिल जाता है जिसके अंदर हमारा जो इधर है ना यहाँ पर सीट बेल्ट का इंडिकेटर रहेगा, और यहाँ पर बीच में जो हमारा फ्यूल है उसका रहेगा, जो हमारी गाड़ी की स्पीड का मीटर रहेगा। नीचे की तरफ हम बात करते हैं, ये यहाँ से हमारा ना एवरेज वगैरह का पता लग जाता है गाड़ी का कितनी चलने वाली, और यहाँ पर जो हमारे इंजन वगैरह की डिटेल यहाँ पर हमारे को मिल जाती, कुछ ऐसा मीटरिंग रहेगा इसका। और बात करते तो गाड़ी के अंदर हमारे को यहाँ पर जो हमारा पार्किंग लाइट होती है ना वो मिल जाता है यहाँ से ऑन ऑफ, और इधर हमारे को जो एसी रहता है एसी के 4 वेंट्स मिल जाते हैं इसके अंदर। जो ये मॉडल हमारा जो इसकी बात करें ना, ये मॉडल हमारा VXi है, VXi प्लस के अंदर सिर्फ हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है ना ये टच स्क्रीन आ जाता है, गाड़ी की सेम लुक रहेगी सारा कुछ। और यहाँ पर नीचे कुछ है हमारा जो एसी का है ना एडजस्ट करने के लिए, यहाँ से हमारा जो एसी की हवा होती है ना उसको एडजस्ट करने के लिए कहाँ पर हमारे को रखनी है, और ये उसकी स्पीड, यहाँ से हमारा हीटर का रहेगा, यहाँ से ये एसी ऑन ऑफ रहेगा, और ये हमारी अंदर बाहर की हवा है ना जो उसके लिए। नीचे की तरफ बात करते हैं तो हमारा ये एक मोबाइल के लिए हमारे को मिल जाता स्पेस, और यहाँ पर वाटर होल्डर मिल जाता है। गियर की बात करते हैं तो गाड़ी हमारा जो 5 गियर के अंदर गाड़ी है, एक इसमें बैक रिवर्स गियर है, जो साइड की हमारी विंडो है ना यहाँ से इसका कंट्रोल दिया हुआ है, जो फ्रंट वाली विंडो हमारी पावर के अंदर रहेंगी और पीछे वाली नॉर्मल के अंदर रहेंगी। सिंपल हमारे को हैंड ब्रेक मिल जाता है इसके अंदर। हमारे को जो म्यूजिक सिस्टम है ना कुछ ऐसे लुक के अंदर ये म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है हमारे को ना, ये कॉल वगैरह रिसीव का भी ऑप्शन इसके अंदर यहाँ दिया है, कॉल रिसीव और कॉल कट हुआ है दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पर हमारा एक ऑक्स का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, और ऊपर हमारा ये USB का ऑप्शन है। गाड़ी के अंदर इसके अंदर ना 2 स्पीकर आते हैं, जो हमारी विंडो है ना उसके अंदर स्पीकर हैं, और नीचे यहाँ पर हमारे को ना 12 वोल्ट का चार्जिंग सिस्टम मिल जाता है जो हमारा फ़ोन चार्ज करने के लिए। और एक यहाँ पर जो हमारा स्पेस रहता है ना इसका डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा है। और ऊपर की हल्का सा बात करते थे, एक हमारा ये जो एयरबैग है ना यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी भी देखिए काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी हुई है जो इसका सिल्वर कलर के अंदर है ना। यहाँ पर जो हमारे को मिरर मिल जाता है जो बैक का व्यू देखते हैं ना हम गाड़ी चलाते हुए, और ये लाइटिंग मिल जाती है। तो हमारी सीट है ना मैनुअल एडजस्टेबल रहेगी यहाँ से, और जो हमारा यार यहाँ से जो हेड स्पेस है और लेग स्पेस है काफ़ी अच्छा स्पेस हमारे को मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी ये गाड़ी है ना। और जो बात करते हैं जो इसका पीछे का स्पेस है ना वो भी एक बार आपको पैसेंजर वाला स्पेस दिखा देते हैं। जो हमारा पीछे का स्पेस है ना हमारे को काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, दोनों साइडों में हमारे को ये हैंडल बार मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो आराम से इसमें ना 3 बंदे पीछे की तरफ बैठ सकते हैं, यहाँ पर अच्छा स्पेस मिल जाता है हमारे को। और जो सीट कवर की बात करते हैं तो हमारे देखिए साथ में काफ़ी अच्छा सीट कवर मिल जाता है। स्पेस ओपन करने के लिए बटन है, और यहाँ पर हमारा जो फ्यूल है ना यहीं से ओपन है, दोनों ऑप्शन यहीं से हम ओपन कर सकते हैं इसको। मिरर हमारे को ना जो मैनुअली एडजस्ट मिल जाएंगे, यहाँ से स्टिक से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी की जो की है ना हमारे कुछ ऐसे की मिल जाती है, यहाँ पर लॉक का बटन है, यहाँ पर अनलॉक का, और एक सिंपल की मिल जाती है हमारे को, 2 की मिल जाती है, ये VXi मॉडल की है हमारे। गाड़ी का ना ऑल ओवर रिव्यू हमने कर दिया यार, आपको ये गाड़ी जो ऑल्टो है ना ये कैसी लगी और इसका रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको इसका रिव्यू अच्छा लगा तो यार आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस गाड़ी का जो ये है ना मॉडल हमारा, इसकी बात करते तो VXi मॉडल है ये हमारा, 4,28,000 रुपये का मॉडल है। इसके अंदर 6 मॉडल आते हैं, जो स्टार्टिंग मॉडल इसका रहता है 3,39,000 रुपये के अंदर, जो इसका फर्स्ट मॉडल है ना एस्टिमेटेड लेने 3,00,000 प्लस से जो इसके बेस मॉडल है ना स्टार्टिंग हो जाती है। बाकी आप इंक्वायरी हमें इस नंबर है ना जो एजेंसी का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। गाड़ी का अल्टो का रिव्यू आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा यार अपनी फैमिली मेम्बर को ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर।